जी हां, बयानों में उलझता सीएए, मणिशंकर और मुतनाजा बयान का चोली दामन का साथ है, और जब जब मणि की जुबान खुलती है तब तब मुतनाजा बयान निकलते हैं। ऐसे में न जाने कितने मौके आए हैं जब मणिशंकर के बयान ने सियासत में उबाल ला दिया है। हाल ही में पाकिस्तान से लौटे मणिशंकर अय्यर दिल्ली के शाहीन बाग में मुजाहरीन के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि देखते हैं किसका हाथ मजबूत है, हमारा या कातिलों का। दरअसल शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बीते एक महीने से लोगों का मुजाहरा चल रहा है और मणिशंकर अय्यर इन्हीं मुजाहरीन के बीच खिताब करने पहुंचे थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लाहौर से शहरियत की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, क्योंकि मणिशंकर के मुतनाजा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत भारत नहीं रहा है, माहौल खराब है, भारत में मजहबी बंटवारा हो गया है, मुल्क बट गया है, हिंदुस्तान सेकुलर नहीं रहा है, और तो और दहशतगर्दी के खिलाफ पीओके पर अगर सरकार या फौज कोई कार्रवाई करती है तो वो उसकी बेवकूफी होगी। पाकिस्तान परस्ती की हदें पार करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बिना पाकिस्तान का साथ दिए कोई सेकुलर नहीं हो सकता है, तो वहीं बीजेपी ने भी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान से मोहब्बत किसी से छिपी नहीं है, वो जब भी बोलते हैं तो पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं, जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो मुल्क मुखालिफ सोच लेकर ही लौटते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इल्जाम तराशियों का दौर जारी है और हर तरफ से बयानबाजियां हो रही है, और लगता है कि इन्हीं बयानों में उलझ सा गया है सीएए। ऐसे ही बयानों के सियासी मायनों को समझने के लिए हम लोगों से बात करेंगे और स्टूडियो में जितने भी हमारे मेहमान हैं उनसे हम तारुफ भी कराएंगे, लेकिन क्या कुछ बयान दिए गए हैं वो जरा सुन लेते हैं। पहले जो भी कुर्बानियां देनी हो उसके लोग में शामिल होने को तैयार हैं। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो कातिल, ये है सवाल। समझ में नहीं आता, जो लोग आ गए उनको बहुमत मिल गई इलेक्शन में, और क्यों मिला उनको? इसलिए मिला कि उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन किया उन्होंने सबका साथ सबका विनाश। वी कैन नॉट बिकम अ फुल्ली सेक्युलर कंट्री अनलेस वी हैव गुड रिलेशन विद पाकिस्तान। द आइडिया ऑफ इंडिया दैट महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू हैंडेड ओवर टू आवर कंट्री एट इंडिपेंडेंस, बट दिस इज नाउ बीइंग चैलेंज्ड About 100 years after the idea of Hindutva, it didn't seem to me that since 2014, I'm living in the same country that I was born into in 1941 and found myself independent at the age of 6. But I come here with a sense of optimism today. I think it would be very foolish for any Indian politician to think that an invasion of Pakistan or strong military aggression as distinct from military action. And when the CAA came, that is the Constitutional Amendment Act, the argument that was made and is still being made by the BJP is that this is not going to affect the rights of any Indian. But the act itself said that whereas people fleeing from three identified countries, Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, as a result of persecution, which was explained by the Home Minister in Parliament as religious persecution, would be fast-tracked to citizenship, but that they wouldn't include any Muslim refugee. Now, the obvious example for us today is the Rohingyas. We have about 36 to 40,000, the figure varies, Rohingya Muslims who come into India, they are not going to be given refuge. The opposition was, to use an expression from wrestling, chit ho gaye the. We didn't know what to do. It hit us so badly that no political party was even willing to perform aggressively its political role, and too many people everywhere were beginning to ask themselves whether their mistake had not been secularism. Should we also not, you know, take a piece of the Hindutva cake and claim it as our own? And now that this revolution around the country has taken place, there is a demonstration that the old idea of India still has great validity. चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक
निंदनात्मक और गाली गलौज की भाषा का मैं विरोधी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उसे कातिल कह रहे हो, एक तरफ मजलूम है एक तरफ जालिम है। मणिशंकर कह रहा है कि मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँ, जालिम। तो आपने तमाम बयानात सुन लिए हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि बयानों में उलझता सीएए। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, सबसे पहले वो सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी ये डिबेट होगी, क्या कांग्रेस के इशारे पर मणिशंकर अय्यर ने ये मुतनाज़ा बयान दिया है, हमारा सबसे पहला और अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद उनके मुतनाज़ा बयान आते हैं, लेकिन जो हाल फिलहाल में जो बयान दिया गया है उसके पीछे पूछा जा रहा है कि किसके इशारे पर मणिशंकर अय्यर ने ये मुतनाज़ा बयान दिया है। दूसरा हमारा सवाल है कि बदजुबानी से मणिशंकर अय्यर का पुराना रिश्ता है, क्योंकि जाहिर तौर पर आप देखिएगा कि वज़ीर आज़म मोदी को नाज़ेबा अल्फाज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया था और इसके अलावा भी कई तरीके के जो अल्फाज़ वो इस्तेमाल कर चुके हैं, तो क्या उनका पुराना रिश्ता है बदजुबानी से। और तीसरा और अहम हमारा सवाल है कि कहाँ से हिदायत पाते हैं मणिशंकर अय्यर, यानी कि जो सोच है क्या कोई उनको बताता है कि भाई आपको ये बोलना है तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे, क्या नफे होंगे, और किस तरीके से क्या उनको कोई एक तरीके से मॉडरेट करता है, ये हमारा सवाल है। चौथा और अगला सवाल है कि मणिशंकर को पाकिस्तान से आखिर इतना प्यार क्यों है। आप देखते होंगे कि वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ से क्या बोलते हैं और फिर यहाँ पर आने के बाद किस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर वो अलग अलग तरीके से और हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर किस तरीके से अटैक करते हैं। और पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि मणिशंकर के बयान से आखिर फ़ायदा किसको होता है। ये सबसे अहम और वाजिब सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जाहिर तौर पर हम देख पाते हैं कि इस दौरान की लगातार ऐसे जो सवालात होते हैं, ऐसे जो बयानात होते हैं, उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर होता है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर मणिशंकर के बयान से किसको फ़ायदा होता है। तो इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी जो है वो डिबेट होगी और इस पर हम जानने की दरअसल कोशिश करेंगे कि जो ये बयानात आ रहे हैं एक के बाद एक, क्या उन बयानों के अंदर सीए उलझा गया है, जो कि सीए को सुलझाने की बात कही जा रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसके अंदर कन्फ्यूज़न कहाँ है, उसको लगातार सुलझाने के लिए कोशिश की जा रही है कि आखिर जो सीएए है उसके पीछे हुकूमत का क्या कहना है और जो अपोजिशन है वो जमातें क्या कह रही है। और इसको जानने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए हैं तमाम जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे तारुफ हम करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है यासिर जिलानी साहब है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है एमआरएम के, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका। साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है महेश वर्मा जी, अभी आने वाले हैं महेश वर्मा जी, बीजेपी का अपना वो मौकफ रखेंगे। शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस से, आपके भी बहुत खैर मकदम है। विशाल मिश्रा जी आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आरएसएस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। और थोड़ी देर में शोएब जामई साहब हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, उनसे भी दरअसल जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो बयानात आते हैं आखिर उनसे फ़ायदा किसको होता है। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा और ये जानने की कोशिश आखिर कांग्रेस से की जाएगी, शैलेंद्र जी आपसे, कि आखिर ये जो मुतनाज़ा बयान आते हैं मणिशंकर अय्यर के, आपने देखा कि गुजरात इंतखाबात के दौरान क्या बयान दिया था, वो नाज़ेबा मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती और कोई भी नहीं देगा क्योंकि वज़ीर आज़म को इस तरह की भाषा का, इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद भी और कई तरह के बयान हैं। तो मेरा सवाल आपसे सीधा यही है कि क्या कांग्रेस के इशारे पर मणिशंकर के जो बयान है वो मुतनाज़ा बयान आते रहते हैं। देखिए अभी जहाँ तक इसमें अलग अलग पार्टियों में जी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो जी, इसमें सारी पार्टियों में गिरिराज सिंह और साक्षी महाराज टाइप के प्रवक्ता हैं जो उलुल बयान देते हैं। मणिशंकर जी को मैं उसी श्रेणी में या अभी के तारीख में मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि कुत्ते की मौत मार देंगे और कुछ भी बोलते हैं, उस टाइप से मणिशंकर जी के जो बयान है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं और हम इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को एक तरफ रख के सरकार के साथ आंदोलन करना और सरकार के साथ मांग करना ये हमारा लोकतांत्रिक हक है और वो हम करते रहते हैं, लेकिन उसमें जाके किसी भी नेता को सरकार को कातिल बोलना ये कहीं भी जो है ठीक नहीं है। हाँ, हालांकि जैसे कि प्रधानमंत्री जी जुमले बोलते रहते हैं तो इसे कातिल शब्द को जुमला में अगर लिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसका ऊपर रिएक्शन चाहूंगा यासिर जलील साहब आपसे, कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं कि अगर ये जुमला है तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है साहब को? ये बेहद अफसोस की बात है, आप सवाल जो पूछ रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता टाल गए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं। मणिशंकर का इतिहास उठा के आप देखें, मणिशंकर पाकिस्तान में पहले भी जाके ये सेटिंग करके आ चुके हैं कि अगर आप मोदी को हटाएंगे तो हम आपके काम बहुत जबरदस्त आ जाएंगे, और दो दिन पहले लाहौर में थे और लाहौर में किस लिए गए थे?
कृषि यानी लोकतंत्र पे एक चर्चा थी, उसको पाकिस्तान के अंदर चर्चा करने गए थे और कांग्रेस अगर उनसे हाथ झाड़ती है तो मुझे हैरानी होती है। उसमें सीधे वहां से पाकिस्तान से उनको जो फरमान जारी हुआ है तो हैरानी हुई कि वो अपने घर गए थे कि नहीं गए थे, सीधे वहां से शाहीनबाग स्थल पे आ गए। शाहीनबाग स्थल एक ऐसा आंदोलन अभी चल रहा है जो वहां के इंतजामिया तो बार बार ये कह रहे हैं कि आम आवाम का है, लेकिन मैं अगर पिछले 15-16 दिन से लगातार देख रहा हूं तो वहां पॉलिटिकल मास्टर पॉलिटिकल लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो हमारी बहनें जो रात में बैठी हुई हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके दिमाग में सीएए के अगेंस्ट इतनी बातें भर दी गई हैं कि ये आपके खिलाफ है, कोशिश ये की जा रही है कि सीएए को समझने की कोशिश करे वहां की आवाम कि उससे आम मुसलमानों का जो हिंदुस्तान के रहने वाले शहरी हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। बार बार हम लोगों ने कहा कि तीन मुल्क जो इस्लामिक मुल्क हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां से जो उत्पीड़न और प्रताड़ित होकर आएंगे उनके लिए सीएए है। लेकिन आप जब आंदोलन में जाएंगे, आप आंदोलन का रूप देखेंगे, आप स्वरूप देखेंगे, तो इस वक्त वो एक पॉलिटिकल मंच की तरह हो गया और उसमें मणिशंकर जैसे लोग जिनका काम है उन्माद फैलाना समाज के अंदर, जिनका काम है अगर आपकी समरसता और समानता बनी हुई है तो उसको बिखेरने, कल कोशिश पूरी करी मणिशंकर ने कि शाहीन बाग के अंदर एक बड़ा दंगा हो जाए, मुसलमानों के ऊपर कोई प्रहार हो जाए, उसका वो पूरा का पूरा राजनीति फायदा जो है वो कांग्रेस उठा के ले जाए। अच्छा, कांग्रेस क्या है, ये जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और MIM, ये तीन वहां के मुसलमानों को एज ए वोट बैंक की तरह देख रहे हैं, उनको लगता है आने वाले विधानसभा में ये वोट कहीं किसके पास आए, ये होड़ लगी हुई है वहां पे कि इन तीनों के पास, क्योंकि ये तुष्टिकरण के मास्टर लोग हैं, इन्होंने मुसलमानों के साथ अब तक आपने शाहबाज साहब देखा होगा कि क्या किया है, सिर्फ आग में घी डालने का काम बहुत शानदार तरीके से। वो वही मैंने जो मेरा सवाल है ना जी जनानी साहब, मेरा सवाल इसीलिए है कि तो क्या फिर ये प्री प्लान्ड है, जिस तरह के बयानात हो रहे हैं आप कह रहे हैं कि वोट बैंक पाने की खातिर हो रहा है, तो क्या ये वोट बैंक पाने की खातिर हो रहा है? ये बिल्कुल, आप देखिए, मेरी तो नजर बहुत जबरदस्त है, वहां के इंतजामिया के एक मेंबर अभी हमारे पैनलिस्ट में भी है, वो भी बताएंगे कि मैं इन लोगों से बार बार हर प्लेटफॉर्म पे हर चैनल पे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं वहां पे जब पहुंचा मैंने देखा तो मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा कि जो ये बच्चों की दुहाई दे रहे हैं वहां पे, बूढ़ी औरतों की दुहाई दे रहे हैं कि उनकी हिम्मत को देखिए आपकी, वो बैठी हुई है रात के ठंड में, और ऑफ कोर्स ठंड बहुत जबरदस्त रही है, इन कई सालों के बाद दिल्ली में इस तरह की ठंड आई है, उस ठंड में वो औरतें बैठी हैं, उनके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, लेकिन आप किस लिए बैठे हैं? उनसे पूछिए जब भी तो वो कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है। अरे आईन और दस्तूर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है आप कैसे बचा सकते हैं? आपको सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वहां के पॉलिटिकल मास्टर। सर, मैं ये हमें समझने की जरूरत है। ओके, ठीक है। शुएब जामिन साहब, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर का कोई ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के अल्फाज का, नाजिब अल्फाज का भी वो इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में जो ये जिस तरीके से शाहीनबाग में जाकर जो बयान दिया गया है उसको आप किस नजरे से देखते हैं? देखिए, दरअसल हम तो बात ये करनी थी कि शाहीन बाग का जो मूवमेंट चल रहा है उसका मकसद क्या है, और पब्लिक इनकन्वीनियंस की बात हो रही है, हम उस पर बात करना चाहते थे, लेकिन मैं उसको दूसरे पार्ट में कह दूंगा। अभी आपने जो सवाल किया है उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में। जितने भी आज़ादी के दीवाने थे हिंदुस्तान की आज़ादी के, सब ने ये गाए हैं ये सारी तराने, उसी बात को वो कोट कर रहे थे। और अगर जहां तक आप कातिल की बात समझते हैं तो देखिए, दिल्ली भाजपा के बंगाल के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने कहा कि जो भी सीए का विरोध कर रहा है उनको चुन चुन के मारना चाहिए, ऐसे कुत्तों को। दूसरा, बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि ये मोदी का इंडिया है, जो सीए का विरोध करेगा, मोदी जी अगर इशारा कर दे तो हम इन लोगों को सफाया कर देंगे। क्या ये कातिल नहीं है? तीसरी बात ये है कि आपके अंदर एक सिंड्रोम होती है प्रीरोगेशन। देखिए, उसमें क्या है कि आपने खुद ही से तय कर लिया है कि भाई ये उन्हीं को एट्रीब्यूट कर रहे हो। देखिए, उस बच्ची ने नारा लगाया कि भाई हिटलर वाली बात, तो हिटलर की बात हुई तो वो हिटलर के लिए होगी, जाहिर से बात है। कातिल की बात की तो उन कातिलों के लिए होगी जो गुजरात दंगे में, जैसे बाबू बजरंगी थे, माया कुदनानी थे जिन्होंने बच्चों को जला दिया, या फिर जो कातिल जो मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं उनके लिए वो कातिल नहीं है, तो क्या उन कातिलों के लिए होगी जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया या उसकी
सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप पहले से क्यों तय कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री को यह कहा जा रहा है? यानी आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री ही ऐसे हैं, आपकी दुश्मनी प्रधानमंत्री से इतनी नहीं होनी चाहिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पर बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री का तोहिन तो आप लोग बार बार ना करें। मैं काउंटर करना चाहूंगा, तो क्या आप मणिशंकर अय्यर के बयान की हिमायत कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं हिमायत नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जिसको जो समझना वो समझता है। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हम वही चीज मूवमेंट में, मैं उसका मीडिया कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है। हाँ। उन्होंने एक बात कही है। अब आप अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको पेश कर रहे हैं और बार बार प्रधानमंत्री का नाम ला रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं कि आप उसको एट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, एक बात शाहीन बाग की बात बोल दूं जरा सर, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म। देखिए, शाहीन बाग के मूवमेंट को आपको समझना पड़ेगा कि शाहीन बाग का एक ऐसा मूवमेंट है। आफी के सिस्टर चैनल की वहां पे पत्रकार आए थे और जब वो महिला से बात कर रहे थे तो वो महिला अपने आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी कि मैं रात के 3 बजे इस छुटुरती ठंड में अपने बच्चे के साथ इसलिए खड़ी हूं कि कल का मेरा बेटा बड़ा होकर मुझसे ये ना पूछे कि मां, जब मेरी नागरिकता और वजूद के बारे में सवाल किया जा रहा था और हिंदुस्तान के संविधान को खतरा था, तो आप क्या कर रही थी? मैं अपने बेटे के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उस जज्बे के साथ वो वहां पर आई थी। अगर आप महिलाओं का अपमान करना चाहते हैं, उन बेटियों का, उन 70 साल की माँओं का अपमान करना चाहते हैं, तो आपको इजाजत है। देखिए देखिए, 10 सेकंड। देखिए, ये जो जब भी मैंने क्या कहा था पहले, जब मैंने शुरुआत करी थी कि ये छोटे छोटे बच्चों को, माँ बहनों को ढाल बना रहे हैं, उनके कंधे का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं और लोगों के अंदर झूठ बोल रहे हैं। आप यकीन माने कि यहाँ इनके जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक साहब है, आज उनकी एक चिट्ठी भी पूरे मीडिया उसमें वायरल है कि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, अब वो इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है अब राजनीति हो गई। अच्छा, ये सिलेक्टिव एमनेशिया के इतने बड़े शिकार हो चुके हैं। अब मैं आपको मैं विशाल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विशाल साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि मणिशंकर अय्यर जो बयान देते हैं उसके पीछे प्रोपेगेंडा होता है या सोचे समझे एक सियासत होती है, या फिर वो ऐसे बयान देते हैं कि बाद में कांग्रेस उसे पलझार देती है, जिस तरीके से यहां पर हमारे साथ में कह रहे हैं हमारे जितने भी जो मेहमान हैं। शादाब भाई, देखिए, मणिशंकर अय्यर जी का जो बयान है वो कोई किसी छोटे बच्चे का बयान नहीं है कि जो नेग्लिजेंस में दिया गया है। आप इस बयान की क्रोनोलॉजी देखिए, द सेम पर्सन, अभी यासिर भाई ने बताया ना कि लाहौर से सीधे आए, पता नहीं अपने घर भी गए या नहीं गए, और सीधे साली शाहीन बाग में लैंड किए। इसके पहले ही इन्होंने पाकिस्तान के पत्रकारों से बात की थी, इंटरव्यू दिया था और कहा था आप लोग हमारी मदद करें इनको हटाने में, जब तक ये नहीं हटेंगे मोदी सरकार तब तक पाकिस्तान से रिश्ते कॉर्डियल नहीं हो पाएंगे। यही वो मणिशंकर अय्यर जी हैं जो 2015 में ये इंटरव्यू देते हैं कि मोदी सरकार, मतलब मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से हमला करते हैं और कहते हैं मौतों के सौदागर हैं। तो देखिए, कोई बचकाना हरकत नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के एक बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि मतभेद आपका हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उस संविधान की गरिमा है, जिस संविधान को बचाने की दुआई दे रहे हैं कि मैं संविधान को बचा रहा हूं, संविधान को बचा रहा हूं, उसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को आप इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि मेरा इसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमें आप बताइए, शशि थरूर जी वहां किस लिए गए थे, मणिशंकर अय्यर जी किस लिए गए थे? अभी हमारे शोएब भाई ने बहुत अच्छी लाइन कही कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कौन से जोर दिखाना चाहते हो और किस बाजू को दिखाना चाहते हो? शोएब बाबू बहुत वेल एजुकेटेड इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वहां जाकर ये नहीं कहता शाहीन बाग के हमारी उन बहनों से, उन महिलाओं से, उन बुजुर्गों से कि आप हमें बताइए हमारा आपका क्या जा रहा है। नॉट ओनली डॉक्टर विशाल मिश्रा, नॉट ओनली शोएब भाई, जो है यासिर भाई, मैं पूछ रहा हूं किस हिंदुस्तान नागरिक का जा रहा है? किसी का नहीं जा रहा है, तो ये झूठी रूमर क्यों है? रही बात, मैंने सुना है डिबेट कई बार शोएब भाई ने ही प्रश्न उठाया है, तो केवल इन्हीं 6 को क्यों? अरे भाई, बाकी भी आ सकते हैं विद द ड्यू प्रोसेस। अंतर यह है कि इनकी प्रक्रिया दूसरी होगी। तो मुझे बताइए, पिछले 4-5 सालों के दौरान ही पाकिस्तान से आए हुए 500 लोगों को नागरिकता दी गई है, आप बताइए ना, यहीं पर दिया गया ना? मैं जवाब, तो अब ये बेवजह का रूमर फैलाकर ये सांप्रदायिक विद्रोह फैलाना, समाज का विखंडन करना, ये कहां की देन है? अब मैंने देखा वो 7 साल की 6 साल की बच्ची, उसको रटाया गया है कि वो कह रही है कि हम जामिया के खून का बदला लेंगे।
इस टाइप का कुछ कविताएं बनी है, ठीक है नहीं, ये, नहीं, ओके, नहीं नहीं ये क्या है और बार बार ये कहते हैं मुझे आजादी चाहिए, बार बार कहते हैं हमें संविधान को बचाना है, ठीक है बार बार कहते हैं संविधान का उल्लंघन हो रहा है। मैं इस पूरे ड्यू रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर पैनल पर बैठे हुए सोएब भाई दस सेकंड मैंने प्लीज कि ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले देश होता है, सबसे पहले राष्ट्र होता है, उसके बाद कोई व्यक्ति होता है। क्यों नहीं हम आप आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी ने बयान दे दिया है कि एनआरसी और सी और सीए का कोई लेना देना नहीं है, बचने वाली बात ये चीज दो पक्ष नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है आपके चैनल की जिम्मेदारी है कि सही बात लोगों तक पहुंचे। बाबू आई हैव अ वेरी ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर यू बिलीव मी सर, तो इसके बावजूद मुझे बोलने की आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं जवाब दे रहा हूं, टेक्निकल ये मीडिया में क्यों नहीं देता कि ये टेक्निकल जवाब भड़काया गया, टेक्निकल जवाब दे मुझे बताइए। अभी वहां पर शाहीन बाग के कांग्रेस के फार्मर एमएलए समथिंग खान नाम है यासिर भाई बताना जरा है, जो पर्दे के पीछे से उसको लीड कर रहे थे, उनका वीडियो था घर घर जाकर लोगों से कह रहे थे कि क्यों नहीं आगे आते हो और फिर कहते हैं कि ये पार्टी का लेना देना नहीं है। साफ साफ कहिए ना मैं, ये प्रायोजित है नहीं लेना चाहते, और जो अभी यासिर भाई ने कहा ये मतलब नहीं रहता है, इतना बड़ा केक है, मैं आता हूं इतना बड़ा केक किसके हिस्से में, विशाल जी आपने अपनी बात की लड़ाई है, विशाल जी आपने अपनी बात करी, शैलेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ठीक है मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि आखिर पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है कि अगर हम हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान से बात निकलेगा तो क्या हम सेक्युलर नहीं कहलाएंगे, मतलब ये क्या बात होगी थी, और हमारी फौज अगर कार्रवाई करती है तो ये बचकाना हरकत होगी या फिर अहकमाना हरकत होगी। देखिए मणिशंकर अय्यर जी के बात को कांग्रेस के साथ जोड़ना और कांग्रेस के उसमें करना तो आप बाहर कर दीजिए ना, आप बाहर कर दीजिए, पहले भी बाहर हुए हैं तो फिर अंदर क्यों गया, आप ये बताइए लोग नाथुराम गोडसे के लिए डबल स्टैंडर्ड नहीं चल पाएगा, प्रज्ञा ठाकुर को चैलेंज जी लोगों ने आज डबल स्टैंडर्ड चल ही नहीं पाएगा, आप ये बताइएगा कि क्या मणिशंकर प्रज्ञा ठाकुर को निकाला क्या, नहीं मैं वही चीज प्रज्ञा ठाकुर को निकाल नहीं सकते, साक्षी महाराज ये बताइएगा बात अगर आज गिरिराज सिंह को निकाल नहीं सकते, बात हो रही है यहां पर मणिशंकर अय्यर की कांग्रेस पार्टी निकाल नहीं देती है, बाहर निकालने के बाद फिर दोबारा वापस क्यों लिया गया, नहीं जब कोई माफी मांगेगा उसके बाद वापस आया, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने तो क्या किया, आप भी वही फिर से माफ करने वाली बात हो गई ना आपकी, अभी इनके एक लीडर ने अलीगढ़ में पिछले 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की फोटो बना के और उसमें खून के रंग का बैलून भर के गोली से मारा, और इसके बाद आज भी जो है महात्मा गांधी की हत्या करना चाहते हैं, और इनके दिल में महात्मा गांधी के खिलाफ इतनी नफरत है, और ये हमें सिखा रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर ये अगर चीज चलती रहेगी कि मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है और साफ है तो फिर इस तरह से जो है आगे बात नहीं बढ़ पाएगी।